हूँ फरिया जी। 100 अफराद के कत्ल के बाद आज सिंध असेंबली का इजलास हुआ, मगर वहाँ पर महाजर आई के सवा कुछ भी नहीं हुआ, उसकी सूरत हाल पर बात होगी। दूसरी तरफ DGIS आया अमरीका रवाना। वेलकम टू न्यूज़ बीट। इंसानी जाने ऐसी जाती रही। जब उसको मार दिया कि कोई उठाने वाला नहीं था, उसको कोई उठाने वाला नहीं, तड़प तड़प के सब आई थी मुझे लगी। कोई तो मतलब है कि फरियाद सुने लोगों की कि कितने माई के लाल मर रहे हैं, कितनी बहन बेटियां बेवा हो रही हैं, कितने घर मतलब है कि अंधेरों में डूब रहा है। मैं कहती जैसे मेरा बच्चा मरा ऐसे इनकी माँ भी तड़पे, इन लोगों की माँ को भी पता चले। अल्लाह, मेरा बहुत मासूम सा बच्चा था। ये बच्चा कल निकला, मुझे बाद में पता चला। बना ये पुल चल रहा है अब्दुल्ला गाली से, पुल से पहले उन्होंने फायरिंग कर दी पूरी गाड़ी के ऊपर, हाथ में गोली लग गई, यहाँ पे फ्रेश गोली लगी है। कराची के अवाम अगर अपने घर से निकले तो सबसे मिल के निकले, मैं भी पॉसिबल किया उसका लास्ट है वो। बाथरूम में नहीं जा सकते, चार दिन से बिल्कुल बंद पड़े, बच्चे रो रहे हैं, खाने को नहीं है, बच्चे भूख से रो रहे हैं, वहाँ लाशें पड़ी है, लाश उठाने वाला कोई नहीं, ना पुलिस है ना रेंजर से, एम्बुलेंस वालों को बुलाया, एम्बुलेंस वाले तक नहीं आ रहे अंदर। बुड्ढा सिर्फ 100 साल का आदमी बेचारा बुड्ढा, ना कुछ खाया ना कुछ पिया, वैसे ही बैठा हुआ घर में, उनको बेचारों को कोई मदद कर सके तो उनको निकाल के लाए। हम लोग चार दिन से भूखे हैं। हजारों लोगों को कौन मार रहा है? कौन गाड़ियों से? आप इनके हाल हाल कुछ नहीं बोलते, सिर्फ मजे लेते हैं सारे। न जाने किसकी नजर लगी है, वतन हमारा लहू लहू है। दरिंदगी आम हो चुकी है, हर एक नजारा लहू लहू है। ज़ईफ माँ के जवान बेटे खुद अपने खून में तड़प रहे हैं। हजारों इंसान है बेसहारा, हर एक सहारा लहू लहू है। इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। कराची में 100 बेगुनाह शहरियों की हलाकतों के बाद आज जब सिंध असेंबली का इजलास शुरू हुआ तो आम आदमी की तरह मैं भी यही सोचकर टेलीविजन के सामने बैठ गई कि आज के इजलास में अवामी नुमाइंदे कराची में शहरियों के कत्लेआम पर बहस करेंगे और इस मसले का कोई ना कोई हल ढूंढने की कोशिश करेंगे। मगर जब इजलास शुरू हुआ तो यूं लगा जैसे ये सिंध असेंबली नहीं बल्कि इतवार बाजार हो, जहां हर दुकानदार अपनी दुकानें सजाए ग्राहकों को मुतवज्जा करने की कोशिश कर रहा था। हुकूमती अरकान को जहां इस बात की जल्दी थी कि वो पुलिस ऑर्डिनेंस 1861, सिंध लैंड रेवेन्यू तरमीमी बिल 2011 और सिंध लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस 1979 फिल फौर मंजूर कराए, वहीं दूसरी पार्टी को ये फिक्र थी कि उनकी ऑपोजिशन बेंचों पर नशिस्तें अभी तक अलॉट ही नहीं हो सकी, और तो और वक्फा सवालात भी इसी शोर शराबे की नजर हो गया। इस मौके पर वजीर कानून अयाज सुमरो ने तीनों ऑर्डिनेंस शिकवार पेश किए। इस दौरान मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के अरकान पुरशगाफ नारों के जरिए नाना का शोर मचाते रहे, जबकि पीपल्स पार्टी, ANP, मुस्लिम लीग काफ, मुस्लिम लीग फंक्शनल और नेशनल
पीपल्स पार्क का अंतायित करते नजर आए। ऑर्डिनेंस मंजूर होने पर अरकान ने इस तरह डेस्क बजाए जैसे कोई किला फतह कर लिया गया हो। इजलास खत्म हुआ तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा फैसल सब्जवाई ने बड़ी धुआंधार तकरीर की, जरा सुन लीजिए। हमें दीवार के साथ नहीं लगाएं, जो दीवार पर लिखा है उसे पढ़ें। वो वक्त गुजर गया कि जब कोई लोगों को डंडा डोली करके असेंबलियों से बाहर फेंकवा देता था। दूसरी तरफ शर्जील मेमन साहब भी पीछे नहीं रहे, उन्होंने भी फैसल सब्जवारी को भरपूर जवाब दिया, जरा सुन लीजिए उनका जवाब। तो सूबे की तकसीम की बात करते हैं, वो अहमकों की जन्नत में रहते हैं। उस निजाम में करप्शन को आगे बढ़ाया गया, उस निजाम में डिपार्टमेंट्स के ऑडिट नहीं किए गए, मनपसंद लोगों को भर्तियां की गईं, उस निजाम के इतने लूपहोल्स हैं जिसकी मैं चार्ज शीट फिलहाल नहीं दे सकता। एमक्यूएम ने सिंध असेंबली का इजलास तो बुलाया, लेकिन शायद उनको अंदाजा था कि नकार खाने में तूती की आवाज कोई नहीं सुनेगा, इसीलिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से भी रुजू किया। इस हवाले से मौलवी इकबाल हैदर ने पिटीशन दायर की, जिसमें वफाकी कायम मकाम गवर्नर, सिंध चीफ सेक्रेटरी सिंध और सेक्रेटरी बल्दियात को फरीक बनाया गया है। पिटीशन में इस्तदा की गई है कि कमिश्नरी निजाम के नफाज को फौरी तौर पर मुअत्तल किया जाए। कराची में मान की बहाली के लिए वक्त मांगने वाले ताज़ा वज़ीर दाखला मंजूर वसा इस्लामाबाद से कराची जाकर एक और कहानी सुनाते नजर आए। उन्होंने क्या कहा वो भी सुनिए। उसके साथ पॉलिटिकली फोर्सेस के अलावा भी हैं, ड्रग माफिया भी है और लैंड ग्रैबर भी है, भत्ताखोर भी है और उसके साथ थोड़ा सा तालिबान का एलिमेंट भी कहा जा रहा है। तो ये सब बातें मेरे जहन में हैं, उसके साथ यकीनन हर पार्टी इन्वॉल्व है। देखिए, जब ये हम रिकंसिलेशन के तहत इकट्ठे थे तब भी तो टारगेटिंग किलिंग हो रही थी, तब भी तो लोग मर रहे थे, लेकिन मेरे आने के बाद आपने टारगेट किलिंग नहीं देखी हो उस एरियाज में जहां कोई जा नहीं सकता था, कोई दुकानें नहीं खुलती थी। अब हर बंदा हर प्यार और मोहब्बत के साथ सब गले मिल रहा। अच्छी बात की उन्होंने, मगर कल चौधरी शजाती मुफाहमत का पैगाम लेकर 9-0 पहुंचे। इस पैगाम में ये दरख्वास्त भी शामिल थी कि चार दिन की हुकूमत है फिर अंधेरी रात, इसलिए मिलकर इकतदार के मजे लूट लिए जाएं तो शायद ज्यादा बेहतर होगा। मगर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट शायद वापसी की तमाम कश्तियां जला चुकी है, इसीलिए फारूक सत्तार साहब ने चौधरी शजात को वो जवाब नहीं दिया जिसकी उन्हें तवक्को थी। मुलाकात के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों रहनुमाओं ने बड़े खुलकर अपने ख्याल का इजहार किया, वो भी सुन लीजिए। अलमी और इसानिये के बाद कुछ और इकदाम हुए हैं जो कि हमारी नजर में ना सिर्फ गैर जमहूरी हैं बल्कि गैर आइनी भी हैं, और जिस तरह से वो इकदाम हुए हैं उसका एक बड़ा मनफी तासर आया है हमारी कॉन्स्टिट्यूंसीज में, हमारे हलकों में, और उससे भी एक एहसास महरूमी और एहसास बेगानगी पैदा हुआ है, और ऐसा महसूस हुआ है कि एक तबके को दानिस्ता तौर पर दीवार से लगाया जा रहा है। जहाँ तक कराची के अमन का तलक है, कराची में खुशहाली लाने का तलक है, उसमें हम आपका हमेशा साथ देंगे, हर मौके पर साथ देंगे, चाहे हम गवर्नमेंट में हो चाहे अपोजिशन में हो। गवर्नमेंट कोई आने जाने चीज़ें होती हैं, कई दफा हमने कंप्लेन देखी है, कई दफा अपोजिशन भी की है, लेकिन सिंध असेंबली का इजलास तो 22 जुलाई तक मुलतवी हो गया, लेकिन मेरी तरह शायद हर आम आदमी को ये इल्म हो चुका है कि कराची के मसाइल के हल के लिए हमारा जिन पत्तों पर तकिया था आज वही हवा देने लगे हैं। जो 100 अफराद कराची में मारे गए उनके खून का हिसाब कौन देगा, कौन उनके लवायकीन को दिलासा देगा, कौन यतीम हो जाने वाले बच्चों के सर पर हाथ रखेगा, कौन इन घरानों की कफालत करेगा? क्या ये 3 ऑर्डिनेंस ही कराची में फसादात की जड़ थे, और क्या इन ऑर्डिनेंस के पास होने से अब कराची में अमन और चैन की बांसुरी बजेगी? इस पर बात करने के लिए अ वेरी वार्म वेलकम टू शर्जील मेमन साहब, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर सिंध, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है, उनका साथ देंगे फैसल साहब ज़वारी साहब, सीनियर लीडर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट। दोनों साहबान ने आज असेंबली के बाहर आकर बड़ा खुलकर अपने ख्यालात का इजहार किया। थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे बशीर जान साहब, जनरल सेक्रेटरी एन, और अरबाब चांडियो साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, समा टेलीविजन के रिपोर्टर हैं। मगर सबसे पहले फैसल सब्जवाई साहब और शजी मेमन साहब आपको दिखाते हैं आज आप लोगों ने क्या कहा।
बिल आज सिंध असेंबली ने अप्रूव किए हैं, जो बिल पास किए हैं, आज तारीख का बड़ा दिन है, सिंध असेंबली की तारीख का बड़ा दिन है। मिलियंस ऑफ वोटर मुस्तरद करते हैं इन कानूनों को, और जिन लोगों के लिए कानून बनाया जा रहा हो, जब वो और उनके नुमाइंदे मुस्तरद करते हो, तो ठंडे कमरे में बैठकर कोई कानून नाफिज कर नहीं सकता। ये अहमकों की जन्नत में रहता है। कोई अगर ये समझता है कि ये अंग्रेज का दौर नहीं है, कि काले अंग्रेज हम पर जो कानून नाफिज करना चाहेंगे, जो अपना कमिश्नरेट लाना चाहेंगे, कि एक अफसर के डंडे के बल पर हुकूमत चलाएंगे, अरे हमें तो क्या दीवार से लगाएंगे, अपने मंशूर को जाके पढ़े। जो लोग सूबे की तकसीम की बात करते हैं वो अहमकों की जन्नत में रहते हैं। तीन सूबों में ऑलरेडी ये निजाम राज था, और चौथे सूबे में भी ये निजाम राज होने के बाद चारों सूबों में यकसानियत हो गई। पाकिस्तान इज नो मोर अ कॉलोनी, पाकिस्तान पाकिस्तानी इदार नो मोर अ स्लेव। हम आजाद लोग हैं, अपनी राय के हिसाब से फैसला करेंगे। जंजीर जुनू का तोहफा है, जंजीर से क्या घबराना है, हम हाथ बढ़ाए बैठे हैं, पहनाए जिसे पहनाना है, जिसने जो करना था पहले करके देख लिया, तारीख ने देखा है। तो उर्दू का मुहावरा है, लोगों ने थूक कर चाटा है। हम चाहते हैं कि इस सूबे को तरक्की की तरफ ले जाएं। आपने देखा कि जब बल्दियाती हुकूमतें थीं तो सिवाय एमकेएम के नाज़िमीन के इस सूबे में किसी ने काम नहीं किया। उस निजाम में करप्शन को आगे बढ़ाया गया, उस निजाम में डिपार्टमेंट्स के ऑडिट नहीं किए गए, मनपसंद लोगों को भर्तियां की गई, उस निजाम के इतने लूपहोल्स हैं जिसकी मैं चार्ज शीट फिलहाल नहीं दे सकता। इसी पे बात करने के लिए वेरी वार्म वेलकम टू फैसल सफजाई साहब और शर्जील मेमन साहब। सबसे पहले आपसे आगाज करूंगी फैसल सफजाई साहब, शर्जील साहब से, तो मैं ये सवाल जरूर करूंगी कि तीन ऑर्डिनेंस से कितना कराची का अमन बहाल हो जाएगा, मगर शुरू में मेरे प्रोग्राम के आगाज में आपने उन माओं बेटियों बच्चियों की आहो बका सुन ली, मुझे बता दीजिए आपके शोर मचाने से भी उनको क्या फायदा हुआ? नहीं फरिया, इस तरह नहीं है कि शोर मचाने से किस तरह फायदा हुआ। अगर तो हम शोर नहीं मचाते तो चार दिन तक जो गवर्नमेंट ने इनएक्शन का मुजाहरा किया, कोई अमल नहीं किया गया, कस्बा कॉलोनी का महासरा होता रहा और वहाँ दहशतगर्द गोलियाँ बरसाते रहे, चुन चुन कर लोगों को मारा जाता रहा, मीडिया दिखा रहा है, लोग वहाँ पर जमा हैं, पुलिस क्या कर रही है, हुकूमत क्या कर रही थी, तो हमने जो शोर मचाया है फिर वहाँ रेंजर्स भी गई है, हमने पॉलिटिकली लोगों को मोबिलाइज किया है ताकि वो रिएक्शन फैले नहीं, वरना तो साजिश यही थी कि वो रिएक्शन फैलता। तो मेरे ख्याल में तो हमारी जो पॉलिटिकल एक्टिविटी है वो बहुत सारे लोगों को उनके मज़मूम इरादों से रोकेगी। मज़मूम इरादों से रोकेगी। शर्जील मेमन साहब, आप लोगों ने क्या स्टेप लिया? बड़ा खुलकर आपसे बारे में बात की गई, उन्होंने कहा फैसल सफजाई साहब ने जो आज बात की उसको मैं कोट कर रही हूँ, सिंध असेंबली के इजलास के लिए करारदाद हमने जमा कराई और हम तमाम ऑर्डिनेंस को मुस्तरद करते हैं, हमने सिंध असेंबली के इजलास से बॉयकॉट किया। ये कहाँ का इंसाफ है कि मुशर्रफ का निज़ाम खराब और ज़िया का निज़ाम अच्छा है? एमक्यूएम काले कानून मुस्तरद करती है, पीपल्स पार्टी वाले अपना मंशूर पढ़ें, ये बात मुझे बताइएगा। ये कई दिनों से बात हो रही है, मेरे प्रोग्राम में भी रजा हारून साहब कह के गए, आज फैसल सफजाई साहब ने यही बात असेंबली में कही, मंशूर मेरे हाथ में है, आई होप कि आपने अब पढ़ लिया हो, इस मंशूर के मुताबिक कैसे देखते हैं आप इस कानून को? थैंक यू फरिया साहबा। जहाँ तक मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के दोस्तों के एहतजाज की या उनके एतराज़ की बारी है, तो मैं समझता हूँ कि उनका जमहूरी हक है, ज़रूरी नहीं कि वो हमारी हर पॉलिसी से एग्री करें, अगर उनको कोई पॉलिसी पसंद नहीं तो ये उनका जायज़ हक है। जहाँ पे मंशूर की बात है,